हाय, मैं निकेश कुमार, स्वागत है आपका अपने चैनल लोअर लर्निंग और एस। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं, क्या एक्टिव रह सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, कभी भी आप सुस्त नहीं रहेंगे, कोई भी काम को टालेंगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। हम सभी को 5 स्टेप में समझाएंगे, प्रत्येक स्टेप को आप बारी बारी से ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, सोने से पहले देखिए कल दिन मेरा कैसा जाएगा। इसकी शुरुआत रात से ही शुरू हो जाती है। अगर आप रात का रूटीन अच्छे से करेंगे तो आपका कल का दिन काफ़ी एक्टिव जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, फोर नाइट को सोने से एक घंटा पहले आपको एक पेज और एक पेन लेना है। उसमें ये लिखना है कि आप कल क्या क्या करेंगे, क्योंकि कल सुबह उठकर आपको ये सोचना ना पड़े कि मुझे कल क्या करना है, ये सोचना ना पड़े। तो इसलिए आप एक पेज और एक पेन लें और उसको आप नोट करें कि कल हम क्या करेंगे। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं होना चाहिए, बस एक सिंपल टास्क जो हमें कल क्या करना है वो पहले अपने माइंड में क्लियर हो जाए। एक हो गया, उसमें एक चीज़ नोट करें कि आप कितने बजे उठेंगे और क्या क्या करेंगे। सुबह का जो रूटीन है तो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, इससे क्या होगा आपका दिन पूरा परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान कीजिएगा, पूरा रूटीन बनाए कल मुझे क्या करना है, ठीक ना, वो नाइट में कर दे और उसको क्या करे एक जगह रख दे। इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आपको कल करना क्या है और वो काम आपको उसी टाइम पर होगा, बस थोड़ा केयर करना पड़ेगा आपको। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सुबह उठने के बाद आपको पहले शांत होकर बैठना है, बैठने के बाद एक गिलास पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन लगभग 20 मिनट का कम से कम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करें। ये रूटीन काफ़ी इतना आपको एनर्जेटिक बना देगी जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे जब आप व्यायाम करते हैं, तो इस कारण से आपका व्यायाम को मिस करना ही नहीं है। हफ्ता में कम से कम आधे घंटे के लिए 5 दिन व्यायाम जरूर करें। इससे क्या होगा, आपका जो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप पूरे दिन आप एक्टिव भी रहेंगे। इसलिए आप ध्यान से रखेंगे कि आधे घंटे के लिए हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे के लिए व्यायाम जरूर करें। तीसरा स्टेप में क्या करें, बुक रीडिंग करें। आपको क्या जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर आप किसी को जॉब करना है या किसी बिजनेस, आप जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के रिलेटेड आपको बुक रीड करना है। पर डे कम से कम 10 पेज ही पढ़े, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पूरा आज बुक पढ़ना है, ये करना है, वो नहीं, सिर्फ 10 पेज पढ़े मॉर्निंग में। इससे क्या होगा, उसके रिलेटेड आपको क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन कुछ आते रहेंगे और आपका क्या होगा, नॉलेज भी बढ़ता रहेगा और आपको माइंड का इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाएंगे कि आपने कोई काम किया है। अगर फोर्थ नंबर क्या है, जो अपने रूटीन में लिखा है उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। अगर बीच में कोई मेरा कोई कॉल आ गया, कुछ अगर किसी का कुछ आ गया, उस काम को छोड़ना है तो उसको अवॉइड करें, ना कहना सीखे। कोई अगर आप अपने काम को वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा आपको वैल्यू नहीं करेगा। इस कारण से ध्यान कीजिए, जो आपने रूटीन की दी लिखा है उसको आप 100% फॉलो करेंगे, तभी आप क्या करेगा पूरा और ये जो दिन में क्रिएटिव रहेंगे। अगर आपको काम करना आज मन बना ले कि ये काम करना है, किसी का कॉल आ गया, कहीं पर जाना है, तो आप पूरी तरह से ये थोड़ा काम फोकस नहीं कर पाएंगे और आपको क्या होगा, फिर पूरे दिन उदास रहेंगे। इसका ध्यान करें, जो आपने रूटीन सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करें। दूसरे को जो कॉल आ गया, किसी की बात को फ्रेंड बुला लिया, ऐसा नहीं जाना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन काफ़ी क्रिएटिव जाएगा। स्टेप नंबर 5 में फोकस। फोकस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना फोकस के आप कोई भी काम एक्टिव नहीं कर सकते हैं। अब क्या हो गया, पूरे दिन मोबाइल का यूज़ हो गया, क्या होगा, मोबाइल को हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, बहुत सारे एक्टिविटी आपको क्या होगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। इस कारण से जब आप जिस टाइम स्टडी करें अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड जरूर लगा दें। इससे क्या होगा, पूरे दिन एक्टिव रहेंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और नीचे जो लाल का बटन है ना उसको दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।